टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में यार स्पेशल बात करने वाले हम एक्सीडेंट के ऊपर। एक मिनट में दिखाता हूँ एक्सीडेंट। तो मेरे एक्सीडेंट के साथ इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इस पर वीडियो बनाने लगा हूँ कि यार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक्स से हैं जो मैं सबसे पहले बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं बाकी बताऊंगा भी हूँ जो मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं या मेरे दोस्त बच्चे हैं उन सबसे मैंने सब कुछ पूछ लिया यार कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं हुआ, तो वो सारा कंप्लीट करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी सावधान हो जाओ। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट में हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर करी हैं जो सबको पता तो होती है पर सब नज़रअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं। बंदा बाइक को घर से लेके जाता है ना तो यार साइड स्टैंड को हटा तो लेता है लेकिन जब बीच रास्ते में कहीं रोकता है ना तो साइड स्टैंड को हटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो जब कटिंग वगैरह करता है तो हैंडल नीचे लगता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरा अपना है हेलमेट। जब भी आप कहीं पे जाओ तो यार ऑफ कोर्स हेलमेट को पहन के जाओ और हेलमेट फिट होना चाहिए अपने सिर के साथ ताकि जब आप कहीं भी गिरो तो हेलमेट हिले ना। और अगर आपने स्पेक या शेड्स लगाए हुए हैं तो उनका स्पेशल ध्यान रखें कि यार नाक नुक ना टूट जाए। अगर हेलमेट ढीला रहेगा तो यार नाक टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा फिट रहेगा तो गिरते ही हेलमेट हिलता नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए हेलमेट थोड़ा ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट यार बंदे आते जाते हुए बहुत ज़्यादा देखते हैं बाहर इधर उधर, तो यार वो देखना बंद करें, सीधा रोड पर ध्यान दें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आगे हम एक और बात करते हैं ऑटो। यार ऑटो वालों से तो स्पेशल बच के रहें, वो सवारी को देखते एकदम से रोक लेते हैं और अपनी बाइक क्रैश हो जाती है, तो उसका ध्यान भी रखें। तो यार अगला पॉइंट है हमारा रॉन्ग साइड। यार इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना रॉन्ग साइड से ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से ये रॉन्ग साइड का ही नतीजा है जो मेरा हाथ है। तो रॉन्ग साइड पे हमें कभी नहीं जाना है। अगर जाना है तो ये नहीं है कि उसको डेली रूटीन ही बना लो, डेली ही रॉन्ग साइड से जाना है। मेरे जितने कंपनी के बंदे हैं उनका जो एक्सीडेंट ज़्यादातर होता है ना वो रॉन्ग साइड की वजह से होता है। जब वहाँ से सीधे जाके मेन रोड पे आते हैं तो वहाँ से बंदे रॉन्ग साइड लेके आ रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है यार नाइट। तो जो ज़्यादातर शराबी होते हैं वो ज़्यादातर ड्रिंक करके बाइक्स कार्स वगैरह चलाते हैं, तो उन चीज़ों का भी यार बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नाइट के टाइम जितना कम हो सके अगर ज़रूरी है तो ही राइड वगैरह करें, नहीं तो ना करें। तो अब बात करते हैं कि जो चीज़ें हमें रोड पे चलते हुए ध्यान रखनी चाहिए जो मेरे पर्सनल या मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। सबसे पहला, हमें किसी भी व्हीकल के पीछे नहीं लगा रहना चाहिए क्योंकि वो व्हीकल अचानक से लेफ़्ट या राइट मुड़ सकता है, अचानक से ब्रेक मार सकता है। तो हमें किसी व्हीकल पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि यार ये 60 की स्पीड में जा रहा है तो हम इसी के पीछे चलते हैं 60 की स्पीड में, तो उस व्हीकल को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा एक दोस्त है राजू, आगे नाका लगा हुआ था, वो उसके आगे बुलेट वाला चल रहे थे, तो बुलेट वाले के पीछे वो था, उसके पास एक्टिवा थी और बुलेट वाले ने हेलमेट नहीं पाया हुआ था, उसने नाके को देख के ना एकदम से ब्रेक मार के यू टर्न लेने लगा और जो मेरा फ्रेंड था उसके पीछे ही था तो उसने एकदम से अगली ब्रेक मार दी, जिसकी वजह से उसका एक्टिवा का टायर स्लिप कर गया और एक्टिवा फिसल गई। और दूसरे यार ट्रक का स्पेशल ध्यान रखें। अगर जब तक आप पहले तो ट्रक को ओवरटेक करने से पहले ना हॉर्न मारना चाहिए, और ट्रक वाले यार इतने पेशेंस वाले बंदे होते हैं ना, वो आपको खुद ही रास्ता दे देते हैं, तो यार ट्रक को रास्ता दे देते हैं, उनको ओवरटेक करने से पहले हॉर्न ज़रूर मारना भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे ट्रक को ओवरटेक करने से पहले ये भी ध्यान रखना कि आगे कोई व्हीकल ना हो, कोई भी व्हीकल हो सकता है। क्योंकि जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था ना ट्रक के आगे एकदम चौराया खाली था, तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला ट्रक को ओवरटेक करके तो रॉन्ग साइड से एक्टिवा वाला एकदम से सीधा आ गया, जिसकी वजह से क्रैश हो गया। हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ, तीसरा हफ्ता हो गया। मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना जो आपको ध्यान रखना है। कई बार हम आगे होते हैं, हमारे पीछे स्कॉर्पियो कार या बस या ट्रक तो खैर धीरे चलते हैं, लेकिन बस कार और स्कॉर्पियो टाइप ऐसी सफारी जो बड़ी कारें हैं वो आपके पीछे होती हैं। आप 70-80 की स्पीड में आ रहे होते हो नाइट में या डे में, तो वो भी आपके इंस्टेंटली पीछे होती हैं। जैसे आप कहीं पे लाइटों वगैरह पे रुकते हो तो रुकने से पहले हमेशा अपने मिरर में
पीछे हमेशा देखना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं है जब आप बाइक को रोक रहे हो। क्योंकि यार ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, जब रात को 10:30 बजे मैं ड्यूटी से आ रहा था तो मेरे पीछे सफारी थी और लाइट एकदम ग्रीन थी, पूरा खुला चौराया था, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कहीं आस पास से कोई कार ना आया, कोई बाइक वाला और स्पीड से ना आ रहा हो, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे जाके एकदम से ब्रेक मार दी थी। वहाँ जाके एकदम से मैं रुक गया, एकदम मेरे पीछे जैसे देखा ना सफारी आई, उसने एकदम से ऐसे कट मारा और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मतलब सोचो अगर वो कट नहीं मारता ना तो उड़ा देता। तो मैंने वहाँ पे ये गलती करी थी कि मैंने साइड मिरर में देख के नहीं रोका ना यार, उस कार की लाइटें लगी मेरे शीशे में, वरना पता लग जाता। तो यार ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंस था वो मैंने बता दिया, बाकी आपको वैसे तो पता ही है क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ गाइस, तो यार अगला है जानवर, एनिमल्स जितने अच्छे होते हैं उतने ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है, रोड पे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तो एनिमल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कभी भी अगर कोई डॉग है या कोई बिल्ली है ऐसे रोड पे आता है, आपने हॉर्न मारा और वापस चला जाता है, तो आपको कभी भी स्पीड नहीं बढ़ानी है क्योंकि वो अचानक से वापस आ जाता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, लेकिन मैं गिरा नहीं हूँ, लेकिन जिसने फिलहाल ये कैमरा भी पकड़ा हुआ है मोबाइल, उसके साथ ये हुआ है। तो कृपया अपनी शक्ल दिखाई जाए थोड़ी सी। हेलो गाइस, मेरे साथ हुआ था। हाँ तो इसके साथ ये ऐसे हुआ है। तो यार ये कुत्ते वाला सीन इसके साथ हुआ है ऐसे, तो ये जैसे जा रहा था कुत्ता एकदम से सामने आया, सामने के बाद इसने हॉर्न मारा, वो वापस चला गया, तो इसने रेस दे दी एकदम से आगे जाने के लिए, कुत्ता फिर वापस आ गया और एक्टिवा का नुकसान तो ऑफकोर्स हुआ, क्लेम मिल गया ना और सुधर भी गई एक्टिवा, सुधर भी गई है और क्लेम भी मिल गया है। तो यार ये जानवर का स्पेशल ध्यान रखना। साइकिल वाले भी यार रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं रात के टाइम पे, ये जब बिल्कुल पास आ जाते हैं ना साइकिल वाले तभी दिखाई देते हैं, दूर से यार ये अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं। तो यार साइकिल वालों को रिक्वेस्ट है कि यार रॉन्ग साइड से ना आए, साइकिल है इसका मतलब ये नहीं है। वैसे तो चंडीगढ़ में ट्रैक्स बन गए हैं इनके लिए स्पेशल, तो साइकिल का भी ध्यान रखें, रॉन्ग साइड से आ जाती है कभी भी अंधेरे में पता नहीं लगता, वो पास आके ही पता लगता है साइकिल तो खासकर, और डॉग्स वगैरह का भी ध्यान रखें। गाइस अगले पॉइंट में है बारिश। बारिश कहने को तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाइक वालों के लिए जिनको अच्छे से नहीं आता, जिनके बाइक में ABS नहीं है, उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है। क्योंकि यार बारिश में जो बंदे ओवर स्पीडिंग करते हैं, पहले तो यार बारिश में ना ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है हमें, अगर करनी है तो काफ़ी ध्यान रखना, क्योंकि बारिश के टाइम पे हम ब्रेक मार देते हैं ना तो बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है, स्पेशली मेरी बाइक यार बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो जाती है। यार पेशेंस, अगर आप यार रेसर हो और मोटो ब्लॉगर भी हो या ट्रैवलर हो तो यार पेशेंस तो होना चाहिए, हमें रश और हमें ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करनी चाहिए बाइक से, क्योंकि यार एक रेसर है ना वो वहाँ पे धीरे भी जाएगा तो आगे जाके वो रास्ता कवर कर लेगा, और एक ट्रैवलर है वो काफ़ी यार बाइक वालों को ना पेशेंस होना चाहिए, वो आगे जाके आप लोग कवर कर सकते हो अपना जो रास्ता है या टाइमिंग है। तो ट्रैफिक में कभी भी ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करनी चाहिए, कब क्या पता किसका मूड सटक जाए वो कार को या दरवाज़ा खोल ले। यार स्पेशली मेरे साथ हुआ है, जब मेरे साथ मेरा फ्रेंड राजू था, मैं बाइक को ले जा रहा था, ट्रैफिक था तो मैं साइड में से ऐसे करके ले गया, मैडम जी ने दरवाजा ही खोल दिया और क्या, वो जाके क्रैश हो गई और मेरा इंडिकेटर टूट गया और ब्रेक पे काफ़ी अच्छे निशान हैं, और बस उससे उसने फिर बोला नहीं, हम बहस नहीं करी, यू नो आपका भाई यार एजुकेटेड बंदा है, समझदार भी है। तो बस यही थे यार कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें जो मैंने आपको बताई एक्सीडेंट होने से कैसे बचना है। ऑफ कोर्स यार जब एक्सपीरियंस हो ही गया इसके साथ भी तो थोड़ा सा कर लो, शेयर कर लो। तो ठीक है गाइस, हेलमेट भी पहनो, ध्यान रखो, अपनी बाइक का भी ध्यान रखो, क्योंकि यार एक बाइकर और रेसर जो भी होता है ना, बाइक लवर, उसको अपनी बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो नहीं चाहता कि उसको एक स्क्रैच भी आए। तो थैंक यू, सेफ राइड एंड डू राइड, वाओ।